सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। सभी बच्चे जुड़ जाए प्लीज प्लीज। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कभी कभी, हाँ गुड इवनिंग। चलिए बच्चों को आप मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, तब तक मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ग्रुप में बच्चे मैसेज कर दे एक बार, ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैसेज कर दे, क्लास जो है ना नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो परेशानी होती है, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए चलिए चलिए, आज मैं सोच रहा हूँ इसको खत्म ही कर दूँ, ठीक है। खैर चलिए, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। जब ज्योग्राफी करवाऊंगा तब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत रियली वेंट टू हेवरली, देखिए दिल्ली सल्तनत में जो भी किंग आए ना, वह अपना जो है विस्तार करना चाहे, अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहे, ठीक है। इसके लिए अच्छा एक बात बताइए, जब एरिया को जब ज्यादा एक्सपेंड करना हो, ज्यादा दूर में फैलाना हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करना हो, विन करना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक बिग आर्मी चाहिए। क्या चाहिए? एक बिग आर्मी चाहिए, ठीक है। तो इसमें नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो एक बिग आर्मी रखे। मैं कुछ आप लोगों को हेडलाइन बनाकर मैं पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा, आप लोग खुद से पढ़िएगा भी, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन किया हूँ इसलिए। और जो मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने भी अपने एरिया का क्या किया, एक्सपेंडेंशन किया, अपने एरिया को फैलाया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि गंगा और यमुना, गंगा एंड यमुना दुआब के पास जो है ना अपने एरिया को ज्यादातर फैलाया। और इसमें क्या है, वह जो है ना जो हंटर्स को वहां से क्या किए, हटाए, और वहां पर एग्रीकल्चर इन्होंने स्टार्ट की, ठीक है। बिग आर्मी की जरूरत होती है, जब जितना ही बड़ा डायनेस्टी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एक बिग डायनेस्टी की जरूर, बिग आर्मीज की जरूरी होगी। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का बहुत, मैंने कि क्या होता है, एक सोचा समझा रणनीति था जो बेस्ट माना गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी दोनों में कौन बेस्ट रहा, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। पीजेंस एंड एग्रीकल्चर जो था, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू साउथ इंडिया, इंडियन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। वह अपना जो है ना ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए साउथ साइड में खिलजी डायनेस्टी जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी जो है ना क्या करना शुरू कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी अपना आर्मी सेटअप करना शुरू कर दिया साउथ रीजन में। देखिए देखिए इन लोगों का मेन मोटिव क्या था, आप देख रहे होंगे दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होता था, इन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, जैसे बिहार हो गया, यमुना वाला इलाका हो गया, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग, चलिए ठीक है। हाँ अलाउद्दीन खिलजी, तो यह लोग क्या किए ना कि अपना विस्तार धीरे धीरे आगे तक करना शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि वहां से ज्यादा रिसोर्सेस मिल सके। देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है, क्वात अल इस्लाम मस्क्यू एन, ठीक है, गुड इवनिंग, चलिए हाँ ठीक है। सभी बच्चों को मैसेज कर दे, जो बच्चे इंटरेस्टेड है अपना देखेंगे, ठीक है। क्वातुल अल इस्लाम मस्क्यू जो है ना, यह कौन बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली ए कुहाना, आप लोग को मैं बताया हूँ फर्स्ट ही मैप में दिल्ली ए कुहाना के बारे में, ठीक है, तो वही है दिल्ली ए। देखिए इसको भी आप लोग पढ़िएगा, मोती की मस्जिद, मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी बाय द हिज मिनिस्टर, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक, ठीक है। देखिए तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी में क्या, देखो पहले क्या रखते थे ना, पहले लोग जो एरिस्टो एरिस्ट्रो
स्ट्रोक रेट जो होते थे उनको लोग अपना मेन मेन जो इम्पोर्टेंट पद होता था, और चाहे समंताज को जो है ना इम्पोर्टेंट पद देते थे, इम्पोर्टेंट प्लेस दे देते थे, ठीक है, अपने रूल में। लेकिन इल्तुतमिश जो है ना वह इसके फेवर में नहीं था। वह क्या किया ना, वह अपने स्लैब को क्या किया, मिलिट्री में हायर पोस्ट दिया अपने स्लैब को, और उस स्लैब को क्या बोला गया, बंदागन। उस स्लैब को क्या बोला गया, बंदागन। यहां से क्वेश्चन बनेगा, बच्चे ध्यान से देखेंगे उस स्लैब को। वैभव कुमार, ठीक है, गुड इवनिंग। उस स्लैब को क्या बोला गया, बंदागन, ठीक है। अब देखिए यह खिलजी माइंड क्या लगाया ना, कि जो आप लोग प्रीवियस क्लास में चोला डायनेस्टी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी में पढ़ चुके हैं, उनके जो सामंतराज हुए वही उनके अगेंस्ट क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए, फाइट कर दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह खिलजी यह सोचा ना कि हम उसको क्यों नहीं हायर पोस्ट दे जो मेरे ऊपर ही हमेशा डिपेंड रहे, ठीक है, मेरे ऊपर ही हमेशा डिपेंड रहे। इसलिए उन्होंने क्या, स्लैब यानी गुलाम होता है जो हमेशा खिलजी से नजर उठाकर भी बात नहीं कर सकता था, ठीक है। उसको वह मिलिट्री का हायर पोस्ट दिया, क्यों, क्योंकि एक आवाज देगा खिलजी या इल्तुतमिश, ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए जान देने के लिए हाजिर रेडी रहेगा उसका स्लैब सब। इसलिए जो है ना वह अपने स्लैब को हायर पोस्ट दिया, और बंदागण उन्हीं स्लैब को बोले, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ भी आता है, देखिए, खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यूड टू द बंदागन एंड ऑल्सो, देखिए दोनों यूज किए थे, खिलजी एंड तुगलक दोनों जो है ना, बंदागन, बंदागन मतलब, अच्छा एक बात बच्चे आप समझाए, सभी बच्चे को यह समझ में आ गया व्हाट इज ए बंदागन, बंदागन सभी को समझ में आ गया, बंदागन सभी को समझ में आ गया, प्लीज कमेंट फास्ट। बंदागन किसी को है जिसको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूंगा, अगर समझ, यस सर, चलो बंदागन, नो सर, क्या नो सर, गुंजा कुमारी, क्या नो सर, बंदागन समझ में नहीं आया। इसका मतलब अभी आप भी है, अभी 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 आप जुड़े हैं। बंदागन इट मीन्स होता है जो स्लैब होता था ना उसको हायर पोस्ट दिया जाता था, इसको पर्शियन लैंग्वेज में बंदागन कहते थे। और यह बंदागन खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के दोनों जो किंग हुआ करते थे वह इसको, हाँ समझे, वह इसको क्या करते थे, बंदागन को अपना हायर पोस्ट देते थे। इसके लिए जो है ना बहुत सारे जो समंताज हुए वह इनको क्रिटिसाइज किए, ठीक है। देखिए यह सब आप लोग पढ़िएगा खुद से, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं सभी चीजों को देखिए। लाइक द अर्लियस्ट सुल्तान द खिलजी एंड तुगलक, खिलजी एंड तुगलक मोनार्च अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स एज द गवर्नर ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज दिस लैंड वी आर कॉल्ड क्या, इक्ता। अब इक्ता किसे कहते हैं, समझ में आया आप लोग को, स्लैब जो हायर पोस्ट पर रखा जाता था उनको, ठीक है, इक्ता किसको कहते हैं, समझ में आया, ठीक है। और जो एंड देयर होल्डर्स वी आर और मुक्ति, दोनों एकतार और मुक्ति दोनों जो है ना सेम ही चीज है, दोनों का नाम एक ही है, हाँ, एकता एकता या एकतार या फिर मुक्ति सब एक ही है। अब यह जो है ना टैक्स वसूलने के लिए तो रखते थे मुक्ति को। अच्छा आपको नहीं लगता है मुक्ति से मुंशी बन गया, ऐसा कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद करने के लिए आप इस चीज को, नहीं मुंशी, मुंशी कौन होता है जो पैसा वैसा कलेक्ट करता है, तो इससे आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं इल्तुतमिश और खिलजी के टाइम में जो पैसा वगैरह कलेक्ट करने के लिए पीजेंट से या फिर अदर रेवेन्यू जो कलेक्ट करने के लिए जिनको रखा गया, देखिए दिस रेवेन्यू कलेक्ट, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रखा गया उनको क्या कहा गया, मुक्ति, हाँ, या इक्तादार, इक्तादार, इक्ता और मुक्ति, यह वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। और यह जो है ना शॉर्ट पीरियड के लिए होते थे, यह लॉन्ग पीरियड ऐसा नहीं कि जो मुक्ति के जो सन होंगे
वह फिर जो है ना राजा के लिए मुक्ति का ही वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है। राजा को जिसको मन, राजा के बेटा सर जूम जूम करिए, ठीक है जूम कर देते हैं भाई। जूम कर देते हैं अब, ठीक है अब, ठीक है सभी को, सभी को ठीक है, यस सर। चलिए आइए देखते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए यह रखा जाता था, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक अकाउंट वेयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट बाय द मुफ्ती। देखिए क्या होता था ना कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक क्या किए ना कि एक अकाउंटेंट रखे हुए थे, क्या रखे हुए थे, अकाउंटेंट रखे हुए थे। वह क्या करता था, जो भी मुक्ति रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसका हिसाब किताब करता था, और मुक्ति को यह अधिकार था कि वह अपने हिसाब से सोल्डर रख सके, सोल्जर रख सके, सॉरी सोल्जर्स रख सके, ठीक है। तो यह था। उसके बाद आप लोग प्रीवियस क्लास में समंताज के बारे में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं, तो अभी मेन चलेगा क्या, तो क्लास क्लास ऑफ कर दे। अच्छा, ठीक है बच्चों, इससे जो है ना मैं पीडीएफ या आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग जो है ना इसको खुद से रीड करिएगा। और नेक्स्ट क्लास आपका दिल्ली सल्तनत पर एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यूज क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग का, क्विज होगा। जो बच्चे क्लास नहीं देखे हैं वह बच्चे कम से कम पीडीएफ रीड करेंगे ताकि उनको आंसर करने में आंसर इजीली कर पाए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर। आप नेक्स्ट क्लास करिए, आपका नेक्स्ट क्लास रीजनिंग का है, नेक्स्ट क्लास करिए रीजनिंग का। बाय एवरीवन।